ओहो, शादी की मम्मी सारी तैयारियां हो गई। और अब मम्मी ये बताओ कि शादी के कार्ड कब तक छप के आ जाएंगे? कार्ड भी आज शाम तक आ जाएंगे। बस तू अच्छा तो मुझे ये बता कि तू अब घर जा रही है तो कितने दिन में दोबारा वापस आएगी? मम्मी, आ जाऊंगी 1-2 दिन में। नहीं बेटा, 1-2 दिन नहीं, तू तो शाम को या कल ही अपनी पैकिंग करके यहाँ आ जा बस अब। अच्छा चलो और फिर कल आ जाती हूँ मम्मी। हाँ कल आ जाना, कार्ड भी बांटने हैं देखो, और बहुत सारे और काम भी बाकी हैं। जी, चलो मैं पानी लेके आती हूँ पहले मम्मी। हाँ हाँ ले आ पानी। और कल अंजलि आएगी तो वो तेरी भाभी के लिए जो सूट दे रखे हैं ना सिलने के लिए, वो भी सारे लेते आना। ठीक है मम्मी। चलो सब काम अच्छे से निपट गया, जो फोन करने रहते हैं ना बाकी दूर के रिश्तेदारों को, वो भी आज ही निपटा देती हूँ मैं। लो मम्मी पानी पी लो। मम्मी जब शादी के कार्ड छप के आ जाते हैं ना तो सबसे पहले ना शाम को आप मेरे ससुराल ही आ जाना। ससुराल वालों को अच्छे से इनविटेशन मिल जाएगा तभी मैं कल आ पाऊंगी ना फिर। हाँ, बेटा क्यों नहीं, पहला कार्ड तो मैं तुम्हारे घर पे ही देने आऊंगी, टेंशन मत ले। जी मम्मी। अभी 1-2 घंटे में आशु को बोल रखा है, वो लेके आता ही होगा शादी वाले कार्ड। चलो फिर तो अच्छा है मम्मी, शाम को दे जाओगे, उसके बाद फिर मैं आ जाऊंगी, फिर हम चलेंगे कल सब तरफ कार्ड बांटने। ठीक है ठीक है। बाकी वैसे एक बार तो रिश्तेदारों को बेटा सभी को कॉल कर दिया है, हाँ जी कोई हाँ टेंशन की मम्मी। बात तो है नहीं, लोकल रह गए हैं जो, उनको कार्ड देने जाना है बस। चलो अब ऐसा कर, खाना बना ले, खा के ही चले जाना। नहीं मम्मी अब मैं रुकती नहीं, बस सब बहुत काम पड़े हैं मेरे घर पर भी। हाँ भूख तो मुझे भी नहीं है, चाट जो खा ली थी मार्केट में। हाँ मम्मी भूख तो मुझे भी नहीं है, तभी कह रही हूँ खाना नहीं खाती, अभी चली जाती हूँ मैं घर। आप भी ना थोड़ी देर अब रेस्ट कर लेना। हाँ, मैं ठीक भी है आराम ही करती हूँ, थक गई हूँ बहुत ज्यादा। जी मम्मी, काम तो ज्यादातर सारे हो ही चुके हैं। हाँ चलो ठीक है फिर मम्मी, मैं चलती हूँ। ठीक है ठीक है, ठीक ठीक है, बाय। मैं आती हूँ शाम को फिर। ठीक है मम्मी। चलो अब तो 1 हफ्ता बिजी बिजी रहेगा, मुझे तो लगता है आज ही फ्री हूँ, थोड़ी देर रेस्ट ही कर लेती हूँ मैं। ओहो बड़ी नींद आ गई थी मुझे तो, 2-3 घंटे, 5 बज गए हैं और आशु अभी तक शादी के कार्ड लेके नहीं आया। मैंने तो अंजलि को भी बोला था कि शाम को आऊंगी घर पे, अब ये बाहर कौन आ गया? मम्मी, आशु, क्या ये सब आशु, और कौन है ये? मम्मी मैंने शादी कर ली है और ये आपकी बहू है। क्या बेटा पागल तो नहीं हो गया कहीं तू? शादी के कार्ड लेके आने थे अभी, सभी बांटने हैं, सारे रिश्तेदारों को कॉल कर चुकी हूँ मैं उन लोगों को क्या जवाब दूंगी? और ये सब तूने करना ही था तो मुझे पहले बताता ना बेटा, ये क्या तरीका है तेरा? मम्मी अगर आपसे पहले बता देता ना तो आपने ये शादी होने ही नहीं देनी थी हमारी, क्योंकि ये अलग जात बिरादरी की है। हमारी जात बिरादरी की भी नहीं है? हे भगवान, समाज में क्या इज्जत रह जाएगी बेटा हमारी? मैं रिश्तेदारों को और सभी को क्या मुंह दिखाऊंगी, और अंजलि के ससुराल वाले उनको क्या जवाब दूंगी मैं? अभी निकाल दो बेटा इसे घर से बाहर। अब तो माँ हमने शादी कर ली है, आज से ये आपकी बहू है। हाथ भी मत लगाना बहू मुझे, किसी और जात की है, तेरे हाथ का तो ना मैं पानी भी नहीं पीऊंगी, हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है। बेटा रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाऊंगी बता मैं? माँ आप घर में ना रिश्तेदारों को ही रख लो, चला जाता हूं मैं इस घर से। क्या बदतमीजी है बेटा ये, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये तूने किया क्यों मेरे साथ। माँ मैं इससे प्यार करता हूं तो शादी भी मैं इससे करूंगा ना, वो लड़की जो आपने पसंद की थी मुझसे पूछ के पसंद की थी आपने, ये बताइए। वो तो आप अपनी मर्जी से बोल रहे हो कि आप तेरी उससे शादी है, बस ये भी कर लिया वो भी कर लिया, सारे आप तैयारियों में लगे हुए हो, मुझसे पूछा है कभी आपने?
माँ अब तो ना आप कुछ भी कहो, ये आपकी बहू है आज से। आ जाओ ज्योति अंदर। हे भगवान, ये क्या कर लिया आशु ने, मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी। मैं तो सभी रिश्तेदारों को फोन कर चुकी हूँ, कार्ड छप चुके हैं शादी के। सबसे पहले तो मैं अंजलि से बात करती हूँ। हे भगवान, ये सब क्या हो गया, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। कितनी इंसल्ट होगी जब सारी रिश्तेदारी में पता लगेगा कि किसी और जात की बहू लेके आए हैं ये, कोई हमारे घर का पानी भी नहीं पिएगा। पहले तो अंजलि इंतजार कर रही होगी मेरा, उसे फोन करूं। हेलो। हेलो। हाँ जी मम्मी, आप आए नहीं अभी तक, 6 बज गए हैं शाम के, कब से वेट कर रही हूँ मैं आपका। अंजलि, अब मैंने करने भी क्या आना है तुम्हारे घर पे, तेरा भाई तो खुद ही शादी करके आ गया बेटा। क्या मम्मी, भैया ने बिना बताए शादी कर ली? चलो मम्मी आप चिंता मत करो, मैं अभी आ रही हूँ वहां पर। ठीक है बेटा, आ जा। मम्मी। अंजलि। अरे मम्मी आप पहले तो रोना बंद करो। अब कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया मम्मी, ऐसे रोने वाली क्या बात है इसमें? बेटा रिश्तेदारों को हम क्या मुंह दिखाएंगे, शादी के कार्ड छप चुके हैं। अरे मम्मी अब तो शादी हो चुकी है, रिश्तेदारों को चिंता मत करो, मैं फोन करके सबको बता दूंगी ये बात, आप रो मत मम्मी प्लीज। बेटा सिर्फ शादी उसने अपने आप की होती ना तब भी मेरा इतना मन खराब ना होता, परंतु तुझे मैं क्या बताऊं, जिस लड़की के साथ शादी की है ना वो हमारी जात बिरादरी की नहीं है। मम्मी फिर भी चिंता वाली बात नहीं है, प्लीज रो मत मम्मी। कहाँ पर है भैया भाभी, कहाँ पर है? भैया भाभी तो तेरे अंदर ही है। चलो मम्मी चुप हो जाओ, आप रिश्तेदारों की चिंता क्यों कर रहे हो, रिश्तेदारों को सबको मैं फोन करके बता दूंगी, टेंशन मत लो आप। चलो मम्मी मैं एक बार भैया भाभी से मिलके आती हूँ, देख के आती हूँ मैं। इस पागल को ये बात समझ में ही नहीं आ रही अंजलि को कि किसी और जात की लड़की है, मैं तो उसके हाथ का पानी भी नहीं पी सकती, कैसे घर में रहेंगे हम इकट्ठे। देखना जी हमसे मम्मी कितना नाराज है, आपको ना शादी के लिए बताना चाहिए था मम्मी को। ज्योति अगर मैं शादी से पहले मम्मी को बता देता ना कि मैं किसी और जात वाली लड़की से शादी करना चाहता हूँ तो हमारी शादी ना ज्योति कभी ना हो पाती, इसलिए ज्योति मैंने मम्मी को ना कुछ नहीं बताया पहले, और जिस लड़की से ये मेरी शादी करना चाहते हैं वो मुझे पसंद भी नहीं है। तू चिंता मत कर ज्योति, अगर मम्मी का ऐसा ही स्वभाव रहा ना हमारे प्रति तो हम ये घर छोड़ के ना कहीं और चले जाएंगे। नहीं हम घर छोड़ के नहीं जाएंगे, मैं धीरे धीरे ना मम्मी का दिल जीत लूंगी। चल ठीक है, चल तू बैठ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मार्केट में कुछ काम है वो खत्म करके आ रहा हूँ बस। ठीक है। भैया। अरे अंजलि। वो मम्मी। पता है अंजलि मुझे, मम्मी हमसे ना बहुत ज्यादा नाराज हैं, पर अंजलि तू भी इस बात को समझ रही है अच्छे से, अगर मैं मम्मी को पहले बता देता ना तो ये शादी कभी ना होने देते। भैया मैं तो समझ रही हूँ लेकिन मम्मी को कैसे समझाएंगे, मुझे बहुत टेंशन हो रही है भैया इस बारे में। तो अंजलि चिंता मत कर, तू मम्मी को समझा ठीक है, और तेरी भाभी भी बहुत ज्यादा टेंशन ले रही है इस बात की, जा उससे मिल भी ले एक बार। ठीक है भैया। ठीक है। अरे दीदी भाभी।
भाभी, मम्मी ना बहुत ज्यादा नाराज है आपसे। जी दीदी। पर देखो भाभी, गलती तो अब दोनों तरफ से हुई है ना। आपने और भैया ने पहले कुछ बताया भी नहीं हमें। बताया होता तो शायद मम्मी इतना नाराज ना होते। जी दीदी। तो अब देखो, एडजस्ट होने में टाइम तो भाभी लगेगा, मम्मी भी धीरे धीरे समझेंगे इस बात को। चलो आप चिंता मत करो, हम मम्मी को मना लेंगे मिलके, है ना? ठीक है दीदी। आप ना ऐसा करो, चेंज वगैरह कर लो, इतने में खाना रेडी करती हूँ। ठीक है दीदी। ठीक है। मम्मी आपने तो खाना भी नहीं खाया, दूध पी लो आप। मम्मी बेटा मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है, दूध तो नहीं पीना मैंने। पी लो मम्मी, दूध तो पी लो सिर्फ, प्लीज। और मम्मी मैं भी ना अब चलती हूँ, जाके मैंने घर पे भी बात करनी है। और आप चिंता मत करना, सभी रिश्तेदारों को मैं फोन कर दूंगी। लोग मम्मी 4 दिन बातें कर लेंगे, फिर अपने आप सारे चुप हो जाएंगे। टेंशन मत लो आप बिल्कुल भी, ठीक है? और सुबह मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, ध्यान रखना और सो जाना टाइम पे अब। हाँ, ठीक है, दूध भी पी लेना। जा रही हूँ फिर मैं मम्मी। नमस्ते भैया। अरे अंजलि। और भैया सुबह सुबह किचन में आप? हाँ अंजलि, बस चाय बना रहा था। अच्छा, और मम्मी कहाँ पर हैं भैया? क्या बताऊँ अंजलि, आज तो ना मम्मी सुबह सुबह ही मंदिर चले गए हैं जल्दी। अच्छा। और कल रात से ना मेरे साथ तो बात भी नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। मम्मी अभी तक नाराज हैं। चलो कोई तो बात नहीं, कुछ तो अंजलि करना पड़ेगा। हाँ देखते हैं भैया, कोई बात नहीं, मना लेंगे मम्मी को, चिंता मत करो आप। और भाभी कहाँ पर हैं? तेरी भाभी तैयार हो रही है। चलो मैं भाभी से मिल लूँ जाके। चल चाय मैं तेरी भी बना रहा हूँ फिर। ठीक है, ठीक है। चलो भाभी कोई बात नहीं, आपके मम्मी पापा भी ना धीरे धीरे मान जाएंगे, और यहाँ पे भी मम्मी मान जाएंगे। जी दीदी। ये लो चाय। अरे भैया आपने चाय नहीं पीनी? नहीं अंजलि, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं वो खत्म करके आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है भैया, चाय पी लो भाभी। और भाभी मैं तो भाभी रोज रोज यहाँ पे आ नहीं सकती हूँ, तो अब ना चाय पी के उसके बाद आप किचन में चलो, किचन भी दिखा देती हूँ और कुछ मीठा बना लेते हैं। ठीक है दीदी। ठीक है, ताकि फिर आप रसोई का काम तो संभाल लोगे, ये घर अब आप ही ने संभालना है भाभी। जी दीदी। हलवे का कलर तो भाभी बहुत अच्छा लग रहा है। जी दीदी, मुझे हलवा बनाना आता है दीदी। और बाकी भी खाना बना लेते हो भाभी सारा आप? जी दीदी, मैंने कुकिंग की क्लासें ली हुई है दीदी। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बात है। मुझे तो लगता है भाभी कि आपके हाथ का हलवा खा के मम्मी तो मान जाएंगे। जी दीदी। तो हलवा बनते ही ना भाभी सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगवा देना। ठीक है दीदी। और मम्मी भी आ ही रहे होंगे, बस मंदिर से काफी देर हो गई है मम्मी को गए हुए, है ना? जी दीदी। चलो आते हैं फिर, मम्मी को भी हलवा खिलाते हैं आपके हाथ का। मम्मी आ गए आप? हाँ मैं तो आ गई अंजलि। बहुत देर लगा दी मम्मी आपने। बस मैं तो ना अपनी सहेली के घर चली गई थी मंदिर से, उसी अच्छा। के घर पे चाय नाश्ता करके आई हूँ बस। नाश्ता भी कराए मम्मी आप? हाँ वो बस जबरदस्ती करने लगी कि पूड़ियाँ छोले बनाए हैं तो खा जाओ। चलो कोई बात नहीं, आपका अच्छा टाइम पास हो गया सुबह सुबह। मम्मी ये हलवा खाओ आप, टेस्ट करो, भाभी ने बनाया है, बहुत ही टेस्टी बना है मम्मी। अंजलि तुझे बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि मैंने उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना, हलवा खाना तो बहुत दूर की बात है। मम्मी आप कब तक नाराज रहोगे ऐसे भाभी से? कब तक नाराज रहूंगी, मैं उसे ना अपनी बहू मान ही नहीं सकती। मम्मी मानो ना मानो, अब भाभी आपके घर की बहू है तो आपको मान जाना चाहिए। मम्मी कितना टाइम नाराज रहोगे इस तरह से आप? कितना टाइम क्या, मैंने तो इसके साथ रहना ही नहीं है, तूने तो हलवा बनवा लिया, अब तो मुझे सारी रसोई अच्छे से साफ करनी पड़ेगी जो इसने रसोई में पैर रखा है। मम्मी आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो? तू ना आशु को बुला, मैंने भी उससे बात करनी है आज, सारी रात ना मैंने बहुत कुछ सोचा है अंजलि। मम्मी
क्या बात करनी है आपको मुझसे? बात सुन ले आशु, या तो तू इस घर में रहेगा या मैं रहूंगी। देखो ऊपर रसोई भी है, ऊपर कमरे भी हैं, सब कुछ रहने का इंतजाम है। तो बहू को ले और ऊपर चला जा। मैं तो उसके हाथ का देख पानी भी नहीं पी सकती, वो हमारी जात बिरादरी की नहीं है। माँ क्या हो गया, अगर वो अलग जाति अलग धर्म की है तो वो इंसान ही ना, और हमने शादी की है माँ, वो भी इस घर की बहू है। अगर आप फिर भी कहते हो ना कि हमारे साथ नहीं रहना, तो मैं ऊपर रहने चला जाता हूँ माँ। अब मम्मी मुझे तो उसका साथ देना पड़ेगा ना। मम्मी आपको ज्यादा शौक चढ़ रहा है ना अकेले रहने का, तो रहो अकेले। आप ये जात पात का क्यों इतना ज्यादा वहम कर रहे हो मम्मी? भाभी भी इंसान ही है, आपके घर की बहू है। अब फिर भी अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा, ठीक है भैया भाभी रह लेते हैं ऊपर, और कल को कोई काम में जरूरत पड़ेगी ना तो मुझे भी मत बुलाना मम्मी, मैं भी नहीं आने वाली हूँ अब दोबारा। हाँ हाँ नहीं बुलाऊंगी तुझे भी, अब अपनी भाभी अच्छी लग रही है, चली जाया कर ऊपर ही उन्हीं के पास, जरूरत नहीं है तुझे भी यहाँ पे आने की। एक तो रिश्तेदारी में इतनी ज्यादा इंसल्ट हो गई है, ऊपर से बच्चों को बातें हो रही हैं। चलो मम्मी जा रही हूँ फिर मैं, रहो आप अकेले ही। ठीक है ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको एक दिन। मंदिर में भी आज सारे यही बातें कर रहे थे, बच्चों को तो मेरी इंसल्ट की कोई फिक्र ही नहीं है। इतना ज्यादा सिर में दर्द हो रहा है, लगता है बीपी बढ़ा हुआ है ज्यादा। आशु की शादी को पूरा एक महीना हो गया और अंजलि भी नहीं आई, इतनी नाराज है ना मेरे से, क्या करूं? दवाई भी खत्म है, आशु भी है तो ऊपर ही पता नहीं बाहर है। अंजलि को फोन करूं पर नहीं, उसे यदि अपनी माँ की फिक्र नहीं है तो मैं भी नहीं करती कॉल, बाहर ही देखती हूँ गली में किसी को। अब तो चक्कर भी आ रहे हैं और बीपी की दवाई भी नहीं है, बाहर देखती हूँ किसी ना किसी से दवाई मंगवाती हूँ जाके। ये गर्मी कितनी ज्यादा है और कोई भी नहीं है बाहर, किसे भेजू दवाई लेने? जल्दी उठा मम्मी को, जल्दी उठा, बहुत ज्यादा खून बह गया सिर से। मम्मी कुछ दर्द कम हुआ अब? मम्मी पानी। ये लो मम्मी ये वाली दवाई लेनी है आपने, जा पानी लेके आ मेरे लिए। और मम्मी पानी ले आए हैं भाभी। मम्मी ले लो आप। तू लेके आ पानी। मम्मी ये कैसी बात कर रहे हो, भाभी लेके आए हैं पानी, दवाई खा लो आप। मैंने तुझे बताया ना अंजलि, मैंने इसके हाथ का पानी नहीं पीना, तू लेके आ जाके पानी। मम्मी आप अब भी ऐसी बात कर रहे हो? मम्मी अब आपको ये बात पता है कि आपके रगों में इस टाइम खून किसका है? जब मम्मी आपके चोट लगी थी ना तो आपका बहुत खून बह गया था, और आपका जो ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव था, जो कि हमें बहुत जगह ट्राई किया हमने, कहीं से नहीं मिला, और हमारे घर में भी किसी का नहीं था मम्मी, सिर्फ भाभी का था वो ब्लड। तो भाभी ने आपको खून दिया है मम्मी, तो आपको ऐसा जाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब खून एक ही है तो फिर भेदभाव किस बात का मम्मी? मम्मी भगवान ने तो सिर्फ इंसान बनाया है, ये जाति पाति भेदभाव ये सब कुछ हमने ही बनाया है मम्मी, तो हमें इसे खत्म करना होगा। बहू मुझे माफ कर दे तू,
मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी जो जात पात के चक्कर में तेरी बहुत इंसल्ट करती रही बेटा, मुझे माफ कर दे। नहीं मम्मी जी। तू भी अंजलि मुझे माफ कर दे। नहीं मम्मी ऐसा मत बोलो आप। मेरी सोच बहुत ही छोटी हो गई थी, और बहुत सारे घरों में जात पात को लेकर आजकल ऐसे हो भेदभाव होते हैं जो नहीं करने चाहिए। और अंजलि बिल्कुल सही कह रही है कि भगवान ने तो इंसान बनाया है, जात पात बनाए हैं तो इंसान ने बनाए हैं। अब भी जात पात के नाम के ऊपर बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। और आपको ये हमारा मैसेज अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप हमें फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर लीजिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग के नाम से, और एक हमारा चैनल और है अंजलि मनचंदा के नाम से फेसबुक के ऊपर, जिसके ऊपर हमारी एक चैनल है हमारा पंजाबी मनचंदा फैमिली, उसे जाके फॉलो कर लीजिए, उसके ऊपर भी अलग से स्टोरी आती है। बाय।